रहता है, क्योंकि जब सुबह होती है तो मैं यही प्रण करता हूँ कि मैं आज कुछ ऐसा करूँ जिससे कि लोग का भविष्य बने और लोग का आगे की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा प्रदेश, हमारा देश जब आगे बढ़ेगा तभी हमारे देश की तरक्की। संदीप जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष वाले कि आप बाहरी प्रत्याशी हो, आपका इस हल्के से लेना देना नहीं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं देश के लिए खेला हूँ। अगर लोग ये कहते हैं कि मैं बाहरी हूँ तो फिर मैं कौन सा साउथ अफ्रीका से आया हूँ? हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर चमकाने का काम किया है। वह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, अर्जुन अवार्डी संदीप सिंह सूरमा आज पेहोवा से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के निर्देश पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। फिर एक बार मनोहर सरकार, अब की बार का 75 पार का जो हमारा संकल्प है उसमें पेहोवा निश्चित तौर पर अपनी आहुति देगा। पेहोवा विधानसभा क्षेत्र के सब कार्यकर्ता साथी मिलकर के और समूची छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर के संदीप सिंह जी की जीत को सुनिश्चित करेंगे और निश्चित तौर पर 21 अक्टूबर को पेहोवा में कमल खिलेगा और हरियाणा की विधानसभा में संदीप सिंह जी पहुंचेंगे और आने वाले 5 साल हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में फिर से पारदर्शी, जवाबदेही और ईमानदार सरकार बनेगी।